में लालू यादव की आरजेडी के खाते में आई सिवान सीट। अटकलें तेज हैं, आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी लेकिन सिवान सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं किया। लालू की पार्टी बिहार में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के खाते में है 9 सीटें। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आरजेडी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को सिवान से उतार सकती है। हालांकि हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लालू को बिहार में MY समीकरण बिगड़ने का डर सता रहा है, इसी वजह से लालू अब तक सिवान पर कोई फैसला कर नहीं सके। हिना को लेकर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि लालू सिवान से हिना शहाब को टिकट दे सकते हैं। अजीत जी, एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी की कोशिश ये रहती है MY समीकरण तो साधे ही, साथ ही साथ पिछले दिनों हिंदू होने का, सनातनी होने का उन्होंने बार बार प्रूफ दिया, अपने बयानों में जिक्र किया, हम भी हिंदू हैं, हमारे घर भी मंदिर हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। वो बात अलग है कि उसके बाद मछली के वीडियो ने उन्हें घेर दिया, कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब क्या नैया पार कराने में कुछ अपनी भूमिका निभा पाएंगी? हालांकि अब ऐसा संकेत उनकी तरफ से नहीं है कि वो आरजेडी से लड़ेंगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव आरजेडी की ऐसी तैयारी है, ऐसी खबरें हैं सिवान से। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी, ये मुस्लिम राजनीति, इसको तुष्टिकरण की मुस्लिम राजनीति को लेकर ये लोग बड़े सजग रहते हैं। ये कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। इनका चुनाव जीतने का जो सीधा समीकरण है, जो आपने बोला इसी है कि MY समीकरण है, उसको चलते ये पूरा साथ हैं। अब शहाबुद्दीन इनके पुराने सागिद रहे हैं लालू यादव के, वही इनको आगे लाए थे राजनीति में, बड़े अच्छे इनके संबंध रहे हैं। अब ये अब क्या इनका हो गया, लेकिन मेरा अपना ही मानना है कि वो लालू यादव अंतिम समय तक इसको रोकेंगे, मनाएंगे, सीट उनको ही देंगे। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन की पत्नी को वो निर्दलीय, अगर वो निर्दलीय लड़ने की जिद करेगी तो मेरा अपना अनुमान ये है कि शायद वो कैंडिडेट देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट है सिवान की, और ये शहाबुद्दीन की पत्नी का जो मामला है उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको वो किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि एक मैसेज जाए मुस्लिम समाज में कि उन्होंने जो है अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया या उसके खिलाफ नाराजगी कर दी। तो मैं देखना पड़ेगा कि अब एक दो दिन में इसको किस करवट पे लालू फैसले को लेते हैं। ठीक है सुशील जी, अगर हिना को टिकट देने के बारे में आरजेडी सोच रही है तो क्या लग रहा है कि बहुत देर कर रही है सोचने में, अब तक फैसला हो जाना चाहिए था, या फिर क्या गुंजाइश लगती है हिना शहाब को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाए तो? देखिए, ये आरजेडी ने परसों सारे सीटों का ऐलान कर दिया, लेकिन मंगलवार को उन्होंने क्या किया, जो सीटें उन्होंने पहले अवध बिहारी तिवारी जी को अलॉट की थी वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी आते जाते रहे। लेकिन एट द 11th और ट्यूजडे को इन्होंने इस सीट पे अभी कोई ऐलान नहीं किया। इसका मतलब है कि इनको भी लग रहा है कि हिना शहाब जी, जो आपने शहाब जी है, इनको हो सकता है कि आरजेडी उन्हीं को सीट मत देगी, क्योंकि इनके जो पति है बड़े नामी वहाँ के बहुबली रहे हैं, 4 बार MLA रह चुके हैं, 2 बार भी अपना मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लोगों के बीच उठे फिरते, लोग उनकी उनमें थोड़ी बहुत श्रद्धा थी वहाँ के लोगों की, जो ये सिवान के लोग हैं, इसलिए आरजेडी को भी सोचना पड़ेगा। दूसरा चीज है मुस्लिम वोट भी काफी है, आरजेडी भी सोचेगी इस बारे में, और मेरे को लग रहा है कि फाइनली ये जो सीट आरजेडी ये उसी को मिलेगी। और दूसरा इसमें चीज है कि ये जो अपनी हिना को ऑल इंडिया मुस्लिम मोमिन जो है अपना ओवैसी जी का, उसने भी हिना को ऑलरेडी सपोर्ट किया क्या, मैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस वजह से लग रहा है कि हिना जी के जो मुस्लिम सपोर्ट उसको मिल रहा है, ओवैसी भी तो 10-15% वोट तो उनके भी होते ही है, तो आरजेडी को भी सोचना पड़ेगा। और ये मेरे को लग रहा है कि अवध बिहारी जी को जो सीट हटा के इसको शहबाब को वो सीट दे देंगे। अरविंद सर, पहले तो सीट बंटवारे को लेकर अटके रहे इंडिया गठबंधन के नेता और पार्टियां, और अब सभी सीटों पर फैसला इतनी देर से होना या कौन कहां से कैंडिडेट होना है उस पर फैसला ना होना, हिना शहाब का जिक्र होना, इसे कैसे देखें? तैयारियों में कमी है, स्ट्रेटजी में कमी है, या फैसले लेने में देर? कुछ सीटों पर ऐसा चलेगा, और हिना साहब अगर लड़ेंगी तो दिक्कत करेंगी, उनको खाली उस सीट पर नहीं,
पूरे बिहार में और खास तौर से वेस्टर्न बिहार में जहाँ मुसलमानों की आबादी काफी है, 8 सीटें आरजेडी यादव कैंडिडेट उतार चुकी है और सिर्फ 2 दिया है मुसलमानों। वोट परसेंटेज में अहिर मुसलमानों से काफी कम नहीं, काफी कम। तो ऐसे में किसी भी किस्म का बैलेंस बनाना होगा तो मुस्लिम कैंडिडेट और देने होंगे, नहीं तो फिर ओवैसी का खतरा एक अलग अपनी जगह है कि वो अपना खेल करेंगे, बाकी तो जो टूट अलग हो वो एक मसला है। और हिना साहब से लालू परिवार का रिश्ता या लालू जी का रिश्ता या शाहरुद्दीन से रिश्ता वो बहुत गहरा रहा है। पूरे मुस्लिम पॉलिटिक्स में लालू जिन दो लोगों के सहारे घुसे पूरब में तस्लीमुद्दीन के माध्यम से और पश्चिम में शाहरुद्दीन, तो इसलिए उस परिवार से उनका रिश्ता है। फातमी नाराज होके गए थे जरूर, वो भी दरभंगा से जीतते रहे हैं, तो इस बार फातमी को टिकट मिला है मधुबनी से, दरभंगा से टिकट नहीं दिया, लेकिन वही 2 कैंडिडेट सिर्फ रह गए हैं। तो ऐसे में एक और मुसलमान अगर दावेदार है और शाहरुद्दीन की पत्नी दावेदार है, हालांकि 2 चुनाव वो बुरी तरह हार चुके, उनसे वो चुनाव निकलेगा इसमें अभी भी शक है कि वो आसानी से। और दूसरा खतरा उनके लाने में ये भी है कि जो CPIML ग्रुप है जिसको 3 सीटें दी गई वो वहाँ उनका विरोध करेगी, क्योंकि चंद्रशेखर जो इनके नेता थे एक जमाने में JNU के छात्र नेता, उनकी हत्या हुई थी और वो शाहरुद्दीन ने ही कराई थी, ये बात एस्टेब्लिश है, तो इसलिए वो ग्रुप विरोध करेगा। और उसका सिवान में काफ़ी कम से कम 2 MLA कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी मजबूत आधार, तो इसलिए ये गणित उलझा हुआ है, बहुत आसान नहीं है। वो अभी जो उलझा और बिहारी चौधरी से लालू जी का रिश्ता काफ़ी अच्छा है, उनकी सीनियरिटी काफ़ी है, वो चुनाव जीतते हारते रहे हैं, लेकिन 9वां यादव कैंडिडेट देने में अभी भी ये ब्रांडिंग इस किस्म से हो कि परिवार के 4 लोग आपके चुनाव लड़े हैं और फिर और बिहारी चौधरी और इस किस्म के लोग आप 9 कैंडिडेट दी, तो ये मुश्किल है, तो इसीलिए ये उलझन है, देखिए क्या। लेकिन इस उलझन में क्या फैसला होता है और क्या वाकई फायदेमंद होगा, क्योंकि MY समीकरण को साधने की कोशिश RJD की हमेशा रहती है और ये पक्के वोटर्स माने भी जाते हैं, इसीलिए अगर मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में आता है तो हो सकता है फायदा हो जाए, ये स्ट्रैटेजी RJD की है। आप सभी रहिएगा इसी चुनावी माहौल में।